सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए फिजिक्स सेकंड लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर फर्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मैं से एक दो नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको फिजिक्स सेकंड के लेकर आया हूँ आपके लिए और चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिजिक्स सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के। बहुविकल्पी में फ्रेंड्स आपके टिक लगे हैं, अति लघु में फ्रेंड्स आपके टिक लगे हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इसमें में से सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन है, इसका अर्थ क्या है? ये एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2F की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? अगला इम्पॉर्टेंट है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हेतु किरण आरेख बनाइए। अगला इम्पॉर्टेंट है, संयुग्मी बिंदुओं से तात्पर्य क्या है? फिर क्रांति कोण की परिभाषा, ये बहुत पूछ लेते हैं यूपी बोर्ड में, एक नंबर का, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला इम्पॉर्टेंट है, किसी अवतल दर्पण के लिए, ये यूपी बोर्ड में हिट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछते हैं क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V की स्थापना कीजिए, यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। फ्रेंड्स ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, इंटर में भी आता है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन हाई स्कूल का है, हाई स्कूल में इसे सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसे हाई स्कूल में सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। इसको सिद्ध करना होता है आपको, तो पूरा आपको बना करके लिखना होता है, तो सेम उसी तरह आपको इसमें भी करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यूपी बोर्ड में बहुत पूछते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। फिर दीर्घ उत्तरी में चलते हैं, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, वास्तविक तथा अभिसारी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसमें फ्रेंड्स थ्योरी आती है इस चैप्टर से, इसलिए आप इसे थ्योरी तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है थ्योरी, आप इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, किरण चित्र की सहायता से इनके प्रकाश संचरण की विधि समझाइए, इसमें किस घटना का उपयोग होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसे। फिर नीचे से आपके आंकिक प्रश्न शुरू हो गए हैं, आंकिक प्रश्न आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देता हूँ। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है फ्रेंड्स, उसे लाइक कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट इसी तरह आप करते रहिए, ओम ट्रिक्स आपको यूपी बोर्ड की पूरी फुल तैयारी करा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओम ट्रिक्स।